नमस्कार। इस मोड़ पे आते हैं कि आज के इस एपिसोड में पूरे 1000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर रखने वाले पूरी 20 इंडस्ट्रीज के मालिक, कपड़ों से लेके पॉलीमर तक और पेट्रोलियम से लेके हैंडमेड पेपर तक जिनका कारोबार फैला हुआ है, लेकिन जिन्होंने जिंदगी के सिर्फ 27 साल पूरे किए हैं, वो मिस्टर मिहिर शांडिल्य आज हमारे बीच में है। मिस्टर मिहिर शांडिल्य। हाय, हाय तारा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिहिर इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, तो आइए आज इनसे पूछते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में, इनकी लव लाइफ के बारे में। पता नहीं तारा, लोग दूसरों की निजी जिंदगी में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं, हैंडसम बैचलर हैं, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स पेज 3 विक्टिम भी हैं। पेज 3 विक्टिम, शायद इसीलिए मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि ये मैरिज भला क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। नथिंग एक्साइटिंग रियली। तो आपके लिए एक्साइटिंग क्या है? एक ऐसी लड़की जो इन ट्रेडिशनल वेज ऑफ मैरिज से दूर अपनी पहचान लेकर अपने ही मस्ती में झूमे। ओह, सो देयर इज समवन। आई मीन, कौन है वो? आई मीन, कोई बड़ा खानदान, एनआरआई, बॉलीवुड? कम ऑन मिहिर, हु इज शी? इन सब सवालों के जवाब के लिए तारा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ कहूंगा तो बस इतना कि मैंने किसी से पहली बार प्यार किया है, और जितना मैं उसे जानता हूं उससे यही लगता है कि मेरे मन का बन फूल तो वही है। वो किसी खुले आसमान की तरह है, झरने की तरह ट्रांसपेरेंट, किसी वाइल्ड लॉकेट बन फूल की तरह फियर्सली इंडिपेंडेंट। उसे पाना मानो नेचर से भरे किसी आइलैंड को पाने जैसा है, जो इस धरती का अंग तो है फिर भी सभी सीमाओं से जुदा। Well, I mean, she's a real mystery woman, huh? But we respect your mystery woman. पर बहुत जल्द उन्हें आपके साथ इस शो में मिलने की तमन्ना जरूर रखते हैं। Sure. Thanks a lot for your precious time. Thank you, Tara. ये लो, keep the change. Excuse me, Tara Agarwal hai. Tara Agarwal? Sorry madam, I don't think so, she will be in the office. To kahan honge? Must be in studio. Aur studio kahan hai? Kya baat hai bhai? Sir, Tara is there? Haan, apne cabin mein. Okay. Thank you. Kaun hai? I don't know sir. Ek minute madam, dekhiye abhi aap unse nahi mil sakti. Main unse abhi milna chahti hu. Aapke paas appointment hai? Ji nahi. To aapko appointment leni chahiye. To de dijiye. Dekhiye madam, appointment koi handbill nahi hai ki hum use haathon haath baant dein. आपको उनसे मिलने के लिए कम से कम एक हफ्ता लगेगा। मैं एक सेकंड नहीं रुक सकती। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी जल्दी क्या आपको? क्या क्या काम है आपका, बताइए। मैं उन्हें इंटरव्यू देना चाहती हूँ। इंटरव्यू क्यों भला, आर यू ओके? मैं पूरे होशो हवास में रहकर कह रही हूँ कि तारा अग्रवाल मेरा इंटरव्यू ले, और वो भी जल्द से जल्द। क्यों, क्या समझते हैं आप अपने आप को, ऐश्वर्या राय, शोभा डे, किरण बेदी या मिस इंडिया? मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, फिर भी तारा अग्रवाल मेरा इंटरव्यू ले, क्योंकि मेरा नाम जूली है। मैं एक कॉल गर्ल हूँ, अ प्रोस्टिट्यूट बाय प्रोफेशन, एक पेशेवर धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, होगी तुम कोई कॉल गर्ल, पेशेवर धंधे वाली, लेकिन मेरा प्रोग्राम प्रोफेशन नहीं, पर्सनैलिटी प्रमोट करता है, और पर्सनैलिटी भी ऐसी जो कुछ मायने रखती हो, शोहरत से, काबिलियत से। Do you understand? मैं इन सबसे आगे हूं, खासकर तुम्हारे लिए। मैं मिहिर शांडिल्य की लाइफ में आई हुई इन कोट मिस्ट्री वुमन हूं, तारा अग्रवाल। What? क्या मिहिर ये जानता है? मेरा तुम्हारे पास आना, तुम्हारा प्रोस्टिट्यूट होना? नहीं, मैं चाहती हूँ मिहिर और दुनिया वाले एक साथ ही जान ले। नाइन एट टू वन जीरो सिक्स डबल टू फोर सेवन नंबर है उसका, मिहिर का ही नंबर मिला रही हो ना?
मनी मन सोचती होगी तुम कि कहीं मैं साइकिक केस तो नहीं। मिहिर शांडिल्य जैसी महान हस्ती मुझ जैसी लड़की से प्यार क्यों करेगा? और वैसे भी मिहिर का स्टेटस मेरे कुछ कहने से या मेरी कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें। तारा, तुम मिहिर की ड्रीम गर्ल कहने वाली लड़की को पागल समझ के दूर तो कर दोगी, लेकिन कोई लड़की पागलपन में भी अपने आप को प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेगी। देखो जूली, इधर जज्बात से ज्यादा तहकीकात की कीमत होती है। मिहिर का इंटरव्यू किया था तब कितनी बातों की तहकीकात की थी तुमने? उसके बारे में दुनिया बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानती है। और एक कामयाब सेलिब्रिटी झूठ क्यों बोलेगा ना? वीआईपीज के माथे पे तो सच की रेखा होती ही है शायद। बदनाम पेशे से हूँ मगर वादा करती हूँ ना तो मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डालूंगी और ना ही मिहिर के परिवार को। देखो जूली, फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। आई मीन आई हैव टू स्पीक टू माय सीनियर्स। रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? तारा, ना तो मुझे रात बढ़ने का डर है और ना ही अनसेफ होने का। चली जाऊंगी, अकेले आना जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। गोवा से मुंबई भी अकेले आई थी मैं। गोवा माय बर्थ प्लेस, वो छोटा सा शहर मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। हर दिन की शुरुआत वहाँ पानी की तरह फ्रेश और ट्रांसपेरेंट रहती थी। Thank you.
कितना मैजिक जैसा लगता है। रात का ये ब्लैक इंक में डुबोया, ये समंदर, ये रेत, ये रॉक्स मॉर्निंग में एकदम ब्लूइश ग्रीनिश हो जाता है। सुबह का ये पानी बिल्कुल डेनिम ब्लू मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। मालूम नील, तुम्हें नहीं लगता नील, सूरज का किरण पानी में मछली बनकर सोने की तरह चमकता है? मे बी तुम आज एकदम मेरे पापा जैसा बोला। मे बी तुमको मालूम नील, जब मैं छोटी थी तो पापा के साथ इधर ही घूमने को आती और ऐसे ही सवाल पूछती। कभी वो जवाब देता और कभी बोलता मे बी। तो एक बार मैंने उससे पूछा आदमी मरने के बाद किधर जाता, तो वो बोला समंदर के उस पार, और जाके सीगल बन जाता। तो मैं बोली सीगल मरने के बाद आदमी बन जाता क्या? तो वो बोला मे बी। तभी से मैं देखती है ये समंदर वैसा ही है। मैं बड़ी होती गई तो पापा के साथ घूमना सवाल पूछना भी कम होता गया। अब तुमको मिलने आती हूँ तो वैसे ही सवाल आते हैं मेरे मन में। तुम्हारे मन में आता है ऐसा कुछ? कुछ बहुत कुछ आता है। तो बताओ ना क्या आता है तुम्हारे मन में? जुली ये जो सोने की तरह चमकती मछली है ना, ये रुपया बनकर अपने बैंक बैलेंस में किस दिन चमकेगा? ये साला ब्रगेंजा के जाल से निकलकर अपने जाल में किस दिन फंसेगा? ये या फिर मछली के साथ साथ इस साला ब्रगेंजा को फंस लेगा मैं अपने जाल में। आ गया तेरा ब्रगेंजा बीच में। ए जुली, जुली अगर मैं ब्रगेंजा का नाम नहीं लेगा तो शादी कैसे बनाएगा, घर कैसे खरीदेगा? मुझे छोटा मोटा नहीं किंग फिशर बनने का है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा मैं। तो बनो, तो मैं अभी से बोलती है दो वक्त की रोटी और एक छोटा सा घर काफी है मेरे लिए, और जरूरत पड़ी तो एक छोटी सी बेकरी भी चला लेगी पैसा कमाने के लिए। पागल हो गई है तू, बेकरी चलाएगी हा? तो इसमें क्या बुरा है, मेरा पापा 30 साल से चला रहा है बेकरी। और 30 साल से वही करता है, 2 रुपए का पाव, 4 रुपए का बिस्किट और क्या। ए नील, देख तू मुझे कुछ भी बोल, मेरे पापा को कुछ बोला ना तो 24 घंटे टीवी के सामने बैठने का, फैनी पीने का, और आते क्या तेरे बाप को? जा अपने बाप की बेकरी संभाल। बाय। जूली, 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 जूली। क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है एयर होस्टेस की, वो भी वर्जीनिया एयरवेज में, मैं एयर होस्टेस बन गई हूँ। कल ही मुंबई जाकर मुझे ज्वाइन करना होगा। पापा, पापा, देखो मेरी फ्रेंड एयर होस्टेस बन गई। कम ऑन, कांग्रेचुलेट। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। वाह वाह वाह, लगता है आजकल एयर होस्टेस बनने के लिए ब्यूटीफुल होने का क्वालिफिकेशन निकाल दिया। हाँ, और सिर्फ ब्यूटी क्वींस को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया मिस्टर राल्फ। राल्फ समझे डियर पापा। अरे मैं तो समझ गया, लेकिन सिर्फ कांग्रेट्स, मुंह मीठा कौन करेगा, राल्फ तेरा बाप या इसका अंकल? ओ अंकल, कांग्रेट्स डियरी, कांग्रेट्स। यू बी इन टच, ओके, बाय 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 जूली। नील, 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 इस तरह रोज शाम को मिलना, मोटरसाइकिल पर घूमना बहुत हो गया। तेरे मम्मी डैडी क्या सोचता होगा? पता है आजकल मेरा पापा भी पूछने लगा है, क्या चक्कर है तुम्हारा? कुछ भी नहीं कह के टाल देती हूँ, लेकिन अभी वापस पूछा ना तो मैं बोल दूंगी हम दोनों शादी करने वाला है साथ। सुन रहा है तू? मैं पापा को बोल दूंगी कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, बोल दो ना नील। नील मैं कुछ बोल रही हूँ तो चुपचाप गाड़ी चला रहा है तू, तो जिंदगी भर मेरे को मोटरसाइकिल पर घुमाता रहेगा क्या? नील क्या बोलूं मैं? बोल मैं क्या बोलूं? चाइल्ड मैरिज करने का, माँ बाप के घर पे बोझ बन के रहने का, 2 दिन कहीं बाहर हनीमून पे जाने का, बाकी पूरी की पूरी जिंदगी मैं बाप के साथ हॉल में और तू माँ के साथ किचन में सोकर बिताने का। 1 साल में बच्चे पैदा कर देंगे, उनको ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बना देंगे, फिर मैं टिफिन लेकर ट्रॉलर पर, तू बच्चों के साथ स्कूल में, चलते रहने का जब तक बुढ़ा नहीं हो जाएगा। नहीं मांगते मुझे सेटेली जिंदगी, मैं शादी तब करेगा जब मैं कुछ हो जाएगा, बहुत पैसा होगा मेरे पास, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, तब करेगा मैं शादी। ए जोले, जोले, जोले मेरी बात सुन, जोले, कम ऑन जोले, जोले मेरी बात सुन, जोले। आ, 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 आ,
I'm sorry. I love you, baby. I love you, Julie. Come on, Julie. Hey, Julie. Julie, come on. Julie, don't play games with me. Julie. Hey. Hey, hey, Julie. फूलों से एक नाजुक कली प्यार के रंगों में ढली, फूलों से एक नाजुक कली प्यार के रंगों में ढली, चाहत की राहों में पहली बार किसी को चुपके से दिल दे चली जूली तुम सब लोग और सेंटा मोनिका पार्टी मेरे बगैर करने का इरादा है? काय का सेंटा मोनिका पार्टी? पहले डिंकी मुंबई चली गई और आज नील मैंगलोर। कौन करेगा ऑर्गेनाइज पार्टी? नील मैंगलोर गया? यस, तुमसे मिलके आया था ना रात को, तो अपने पापा के सामने एक शाने लड़के की तरह बैठा और बिजनेस की बातें करने लगा। ऐसा लगा कि उसका सारा बचपना ही खत्म हुआ। फिर ब्रिगेंसा के पास भी गया था, वहाँ कुछ मैंगलोर जाने की बात हुई और वो गया भी। जूली बेटे, हमें पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ज़रूर उसे कुछ समझाया है ना? गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अच्छा जूली, तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर आंटी। मैं चलती हूँ। जूली रुक तो। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ, बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। बाय। कैसा मैन है गॉड, एक मिनट में सांस अटकाता है, दूसरे मिनट में सांस फैलाता है। तुमने तो मेरा नॉट फिट करने का काम ही कर दिया गॉड। मुझे मालूम था तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी पसंद पसंद करेगा। तुम ही नील के भेजे में गुत्थौर बन के आया ना गॉड। वैसे वो भला है, थोड़ा गर्म दिमाग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन होशियार है। अब देखा ना कैसे एक दिन में बदल गया। अब तो बहुत कुछ बदलेगा गॉड। उसका बिजनेस चालू होगा और हमारा शादी होगा,
शादी के बाद whether he likes it or not, मैं रोज उसे टिफिन देगी। After all, husband को वाइफ के हाथ का ही खाना खाना चाहिए ना। फिर अभी तो वो बोलता है लेकिन शादी के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भी उसे नील को सुक्का नहीं छोड़ेगी। शाम को या फिर संडे को मोटरसाइकिल पे घूमने जाएगी उसके साथ, वो भी हमारे दो दो बच्चों के साथ। उसका सिगरेट जरूर छुड़ाएगी मैं। अब गोवा में पीने के बारे में तुम भी किसी को क्या बोलेगा ना गॉड। मैं अभी यहाँ से जाएगी और नील के घर में शादी के बाद लगने वाली सब चीज़ों का लिस्ट बनाएगी। उसका डैडी थोड़ा रफ एंड टफ है लेकिन मम्मी एकदम जेलीफिश जैसा है। I'm just so glad and happy, God. I'm really happy. Jolie! 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 Are Jolie! Ah, Julie, kithe go? Are paper mein bada khabar hai. What? To isme nayi baat kya hai? अरे जो भी कुछ है तुम्हारे काम का खबर है। उठ। गवर्नमेंट ने मैदे का भाव बढ़ाया होगा या लोड शेडिंग हुआ होगा। मैदे का भाव नहीं, तुम्हारा नील का भाव बढ़ गया। नील का? हाँ, ब्रेगंजा और नील में बिजनेस डील हो गया। ब्रेगंजा का पूरा गोवा का बिजनेस नील देखेगा एज अ पार्टनर। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज। मैं अभी जाके इसका विश करता है। तुमने नील को बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आज दामाद भी बना लिया। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आँखों में सपने जल गए, देखो तो अपने छल गए। टूट के बिखरी प्यार के पल में क्यों मौसम ढल गए, मौसम ढल गए, मौसम ढल गए। मेरे ही कहने पर डिंकी ने जॉब इंटरव्यू का टेलीग्राम भेजा। वो घर, मेरा ट्रेडमार्क, मेरी साइकिल, पपी डॉग। उस घर से जुड़ी गोवा की हर वो गली जहाँ नील के साथ कुछ सपने देखे थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा। पापा ने बिना कुछ कहे अलविदा करके मेरा दुख शेयर किया। छोटी सी बैग में बचपन से लेकर अब तक की मैं समा गई। वहाँ एक पल भी रुकना मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था और पीछे मुड़कर भी ना देखते हुए मैं चली आई मुंबई डिंकी के घर। डिंकी ने मुझे यादों के इस क्लोरोफॉर्म से बाहर निकलने का वक्त तो दिया है, ऊपर से नया कुछ करने की उम्मीद भी। देख जूली, ये गोवा नहीं मुंबई है और अगर तुझे यहाँ अपने बलबूते पर कुछ करना है तो तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आई मीन टू से यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। रूल नंबर वन, कभी अपनी आंखों देखी चीज़ पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव इन व्हाट यू सी, समझी? अब जरा काम की बात करें। मैंने एक मिस्टर शाह से तेरे जॉब के लिए बात की है।
रेप्यूटेड बिल्डर है, कल सुबह उनके ऑफिस जाकर उनसे मिल लेना। कल सुबह? हाँ, 10 बजे, शार्प एट 10। नाउ गो टू स्लीप, गुड नाइट। Which floor? Fifth. Jesus. Interview? Yeah. First door on your right. Shah Constructions, may I help you? Yeah, just hold. गुड मॉर्निंग। यस मैं जूली, मुझे मिस्टर शाह ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो आप जूली हैं? यस सर, वो मेरा मिस जूली, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई विल कीप इट फॉर रिकॉर्ड सेक। उस दिन मैंने डिंकी से कहा था कि तुम रिकमेंड कर रही हो, आई कैन अपॉइंट ब्लाइंडली, सो नाउ यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। तो कब से ज्वाइन करना होगा? Now you are appointed, so आज से अभी। क्या है ये? मार्बल ठीक से पॉलिश ही नहीं हुआ है अभी। सर आज हो जाएगा। कब? आज शाम तक सर। और यहाँ जो बाथरूम है वो? सर वो मिश्रा जी से मैंने बोला है। देखो शर्मा, मैं कंक्रीट ब्लॉक्स नहीं घर बेचता हूँ, घर समझे? इस तरह का काम मेरे पास नहीं चलेगा। सॉरी सर। मिस जूली, लगता है सबको आइडियल लगने वाला ये सैंपल फ्लैट तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं। Not exactly, sir. अगर सच कहूँ तो। No problem. बोलो बोलो बोलो। तो क्या? सब बोलो। सर, कुछ चीजें पसंद नहीं आई। Such as? देखो जूली, लेडीज की पसंद बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए। सर, इन दीवारों का रंग बदल दिया जाए। क्यों भाई, क्या खराबी है इसमें? खराबी नहीं है सर, बात मूड की है। जैसे आप कंक्रीट ब्लॉक्स की जगह घर बेचना चाहते हैं, वैसे इन दीवारों की जगह अगर खुला आसमान हो, आई मीन कलर इन दीवारों का स्काई ब्लू कर दे हम, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आसमान है। एंड मुंबई जैसे भागदौड़ वाले शहर में हम दीवारों पर आसमान रंग दे तो वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन एंड वेरी प्रैक्टिकल। एक्सेप्टेड राइट नाउ जूली। अरे सुनो। यस सर। रोहन है क्या साइट पे? सर मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। अच्छा रहन दो, मैडम को शेड कार्ड दिखाओ, जब दीवारों का कलर बदलना है। सर मैं अभी दिखा देता हूँ। Hello, sweetie. Hey. Lovely. Wow, you're looking nice. Thank you. Huh? Look who's here. Hello, Dinky. Long time no see, huh? लंबी ट्रिप पे गई थी? नहीं ना, यही इंडिया में घूम रही थी, इसलिए तो आजकल यहाँ नहीं आती। और वैसे भी इंडिया में रहकर मुझे किसे इम्प्रेस करना है? तू बातें बहुत लंबी करती है, पहले मुझे ये बता कि मेरे लिए क्या लेके आई है। मैं तुमको क्या दूंगी डेलनास,
क्योंकि जो मैं दूंगी वो तुम्हारे काम का नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। ये तो मैं पहले से समझ गई थी। ओहो, अ न्यू कस्टमर। हाउ यू डूइंग स्वीटी? न्यू हियर? जी। डेलनाउस, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह, गोवा से आई है जूली। गोवा, हाउ वंडरफुल। एवरीबॉडी लिसन, अ ट्रीट फॉर अ न्यू कस्टमर, एवरीथिंग ऑन द हाउस, हैव अ बॉल स्वीटी। और मुझे कम से कम कमीशन? अगर कमीशन ही कमानी है तो अंगूर पे नहीं आम पे कमाओ। बाय डेलनाउस, बाय 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 जूली। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग, हु इज दिस लेडी? डेलनाउस, कहने को तो पार्लर की ओनर है पर एक्चुअल में लड़कियां सप्लाई करती है। शी इज अ पिंप। व्हाट? शी इज अ पिंप। तो हम यहाँ क्यों? अब अपना फेस नॉर्मल कर और इस शहर का दूसरा रूल सुन, नेवर इंटरफियर इन समबडीज एल्सेस लाइफ। कभी किसी दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी मत दो, समझी? कम इन। आप वही है ना जो कुछ दिन पहले मुझे लिफ्ट में? यस, जूली। ये बंबई की हवा पानी भी कमाल की दवा दारू है कि किसी भी कैटरपिलर को बटरफ्लाई बना देती है। एनीवे, कंग्रेट्स। कंग्रेट्स? यस। एक तो इसलिए कि आपको ये नौकरी मिल गई और दूसरा इसलिए कि आपने मेरी छुट्टी कर दी। आपकी? वैसे बंदे को रोहन कहते हैं, शाह कंस्ट्रक्शन का डिजाइन कंसल्टेंट। यस यस आई नो। आप बैठिए ना प्लीज। आफ्टर यू। थैंक यू। आई एम सॉरी, वो जन मैंने सजेशन क्या दे दी, सर ने तो एकदम ही एक्शन ले लिया। मैं आपको कैसे बताऊं कि ना 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 ना, गलती आपकी है ना सर की। वो क्या कहते हैं कि हाँ, सौ सोनार की एक लोहार की। भाई हम तो बस रूटीन घिसते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो यहाँ के पुराने क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं और आप यहाँ की नई पर्सनल असिस्टेंट। आप चुटकी में रंग बदलवा देती हैं तो कंसल्टेंट बदलने के लिए आपको चुटकी भी बजानी नहीं पड़ेगी। मिस्टर रोहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक कप कॉफी पिला दीजिए, समझ जाऊंगा। व्हाट? यस मिस जूली, एक कप कॉफी। बाय द वे, आपकी सजेशन नहायत ही खूबसूरत और अकलमंद सजेशन है, तो एक कप कॉफी पिला के आप अपनी कामयाबी की एक छोटी सी ट्रीट दे दीजिए। शुगा, वन। आप जैसी अच्छी टेस्ट वाली हमारी बिजनेस में 100 में से एक मिलती है। ये कॉफी वॉफी तो एक बहाना है। पेशे से मैं एक डिजाइनर हूँ, हमेशा अलग चाहता हूँ, अलग देखता हूँ। जब लोग मोर के पीछे भागते हैं, उसके नाचने पर झूमते हैं, तब मेरी नजर एक क्वाइट लेक पर बहुत ही एरिस्टोक्रेट पोजिशन में एक लहराते हुए वाइट हंस पर पड़ती है, जिसे देख कर लगता है एक ऊंचे खानदान का रईस बड़े आराम से वाइन पी रहा हो। इंटरेस्टिंग। फिर मोर का नाचना तो किसी हिंदी पिक्चर के बंजारे डांस जैसा लगता है। और आपका हंस? हंस का लहराना तो किसी ऑपेरा की तरह। आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और लगते हैं। सच? बिल्कुल। स्कॉर्पियंस ऐसे ही होते हैं। आप बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप साइंस में? मेरे लिए सब ग्राफिक डिजाइन्स हैं, कभी उन्हें यूज करता हूँ, कभी पढ़ लेता हूँ। लेकिन आप जरूर लिब्रन हैं। आपने कैसे पहचाना? जिस तरह से आप सब तोल मोल के बोल रही है ना उससे। लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। अभी तो जेब में पैसे है ना। गुड टाइमिंग। ये सब डिंकी की देन है। डिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट डिंकी को जाता है। आपकी बातें भी काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड एंड एनकरेजिंग। आप इतना काम क्यों रही हैं? यहाँ का एसी कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है। एसी इफेक्टिव नहीं है, आपकी स्लीवलेस कुछ ज्यादा ही लेस है। वो मैं एनीवे, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। Ah!
मिस जूली, वैसे अब आप क्या करेंगी? अब ना ही खाने की भूख और ना ही पेट में जगह, सो आई विल प्रोबेबली गो एंड स्लीप। क्यों? ऐसे ही अगर आप जैकेट पहन के सोने वाली है तो। ओह, आई एम सो सॉरी। लेट मी हेल्प यू। तुम्हारे वजह से मेरी बस और ट्रेन की आदत डेफिनेटली छूटने वाली है। भाई तुम बोलो तो गाड़ी रोक के ट्रेन में चले। ट्रेन और तुम, आज तक अभी महालक्ष्मी या लोअर रेल का नाम भी सुना है तुमने? तुमसे कहीं ज्यादा विरार तक गया हूँ ट्रेन में। ये जो मेरी गाड़ी और मेरी कामयाबी देख रही हो, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। ओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सोच बहुत ऊंची है। वैसे तुमने वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? उसका क्या? वो कछुआ मेरे दादाजी हैं। अच्छा मिस्टर राजकुमार कछुआ। Yes? अब आप हमें ये बताएंगे कि इतना सच धज के कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है मिस्टर वाधवा, उसी की पार्टी है। हो सकता है इसी पार्टी में मिस्टर वाधवा मुझे अपनी नई स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। पर तुम्हारी इस बिजनेस पार्टी में मैं क्या करूँगी? मेरे साथ रहोगी, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, यू आर माय लकी मैस्कॉट। थैंक यू, थैंक यू। रोहन बाबू, कम, देयर ही इज, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई तुम खूबसूरत डिजाइन बनाते हो ये तो सुना था, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर साथ में लेकर घूमते हो ये पहली बार देखा है। यही है मिस्टर वाधवा और ये है मिस जूली। जूली? हेलो। मिस्टर शाह की पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वही हैं जिन्होंने दीवारों का रंग क्या बदलवाया, पूरी स्कीम रातों रात बिक गई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। देखो तुम्हारी नौकरी जैसी भी है ना, चल रहे तो, लेकिन अगर तुम वैसा ही कुछ मिरेकल अपने इस दोस्त रोहन के साथ मिलकर सोच सकती हो तो बोलो। पूना वाली पूरी स्कीम का काम रोहन के नाम, कंडीशन सिर्फ तुम्हारा साथ। क्यों नहीं, जरूर सर। Then it's done, Rohan. Thank you, sir. भाई डिजाइन बनाने शुरू करो and help yourself. Sure. Julie. Thanks. Rohan. Enjoy the party. Cheers. मैंने कहा था ना कि तुम मेरी लकी मैस्कॉट हो। लेकिन हमें करना क्या होगा रोहन? मिस्टर वाधवा एक स्कीम बना रहे हैं पूना के पास, फर्निश फ्लैट्स और रो हाउसेस। हमें उनका इंटीरियर करना है। जूली, अगर ये स्कीम हमें मिल जाए तो रेलवे स्टेशन तो क्या, मैं इंडिया का एयरपोर्ट भी भूल जाऊंगा। क्या मैं सचमुच उसकी लकी मैस्कॉट थी? उस रात इतना खुश था जैसे उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिली गया। रोहन का यही कॉन्फिडेंस मुझे उसके और करीब ले गया। Let's go.
आओ जूली, ये मेरे क्लाइंट का घर है जिसे मैंने डिजाइन किया है। अगर वाधवा का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो हमारा भी ऐसा ड्रीम हाउस होगा। वाकई बहुत अच्छा है। पनाहों में अब रहना चाहूं मैं,
क्या क्या जाना तुझसे कहना चाहूँ मैं, ये बेताबी अब तो सह ना पाऊँ मैं, हो ये बेताबी अब तो सह ना पाऊँ मैं, क्यों धड़कन मेरी दीवाना करे चाहत के महीने में आने लगा, क्यों मजा जीने में, ये प्यार है या फिर कुछ और है, ए दिल ये बता क्यों होने लगा एक दर्द सीने में, आने लगा क्यों मजा जीने में, ये प्यार है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि मुझे वेट कराओगी। आई एम सॉरी डिंग्स, ऑफिस में इतना काम था, मैं काम छोड़कर नहीं आ सकती थी, शाह सर भी नहीं थे, रियली प्लीज अंडरस्टैंड। एक छोटी सी नौकरी की तलाश में गोवा से मुंबई आई थी तुम, और आज इतनी बिजी रहने लगी हो कि रहते तो एक साथ हैं पर मिलना मुश्किल हो। अच्छा तो तुम बताओ तुम वापस कब आ रही हो? तुम जैसे ही वापस आओगी हम लोग दूर कहीं छुट्टी मनाने जाएंगे। कम से कम 6 महीने बाद। मतलब 6 महीने मैडम पायलट राकेश के साथ? hey, रूल्स भूल गई क्या? और हाँ, मेरे आने से पहले शादी मत करना। तुम भी वहाँ से दूसरी पोस्टिंग पर मत चली जाना, वरना आते आते मौसी बन जाओगी। बाय। ओह गॉड, आउट टू रश, यू टेक केयर, ओके बाय। हेलो, वेलकम होम डार्लिंग। रोहन, अच्छा अभी सुनो। सुनाइए। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कबर्ड में कॉर्नफ्लेक्स पड़ा है, और अगर ऑमलेट खाना चाहती हो तो ट्रे में अंडे पड़े। अच्छा, और हाँ, अगर लंच मेरे साथ खाना चाहती हो तो ये मोर देन वेलकम। अपनी बकबक बंद करो और फटाफट काम निपटा कर घर आओ। नो माय डियर, तुम्हारा ये वर्कहोलिक टेडी बेयर अब तुम्हें रात को ही मिलेगा, लेकिन हाँ उसके पहले तुम मिस्टर वाधवा को मिल रही हो ठीक 5 बजे विद डिजाइन। ओके, ये है हमारे बेसिक डिजाइन, ये छोटे फ्लैट्स, ये रो हाउसेस और ये पेंट हाउसेस। तुम्हारा ड्रेस सेंस अच्छा है। ओह थैंक्स। अगर आप देखें तो इन छोटे फ्लैट्स में भी हमने कुछ इंडो प्लान सजेस्ट किए हैं। जूली, जब तुम एक्सप्लेन करती हो ना तो तुम्हारे हाथों की और होंठों की मूवमेंट्स बहुत स्वीट लगते हैं। मे बी, ये हमने बड़े फ्लैट्स में भी मार्बल से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है स्पेस को। और जूली, क्या है कि तुम्हारे इस लैपटॉप की प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, किधर और कैसे देखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने तो है पर पूरा देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों ना हम साइट पर चलें, वहां तो मुझे रूम बाय रूम डिटेल में एक्सप्लेन करोगी तो बेहतर होगा। नहीं, ओके, दैट्स फाइन विद मी। ग्रेट, मैं रोहन से सूटेबल डेट्स लेकर आपको बता दूंगी। रोहन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, रोहन क्या करेगा, किसी वीकेंड पर साथ चलते हैं, सैटरडे को साइट देखेंगे, रात को खंडाला में आकर हमारे गेस्ट हाउस में रहेंगे, वी स्पेंड द नाइट टुगेदर। व्हाट? साइट देखने के बाद जब हम साथ रहेंगे जो बची खुची क्वेरी जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी।
यह कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक वर्बल है वही कंफर्म हो जाएगा। मंडे मॉर्निंग तुम अपने घर ही ऑफिस में होगी विद द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली साइंड सील्ड डिलीवर्ड। व्हाट डू यू से? अरे क्या हुआ भाई? बास्टर्ड, भीषण में की भी कोई हद होती है। अरे क्या हुआ, टैक्सी वाले से कुछ झगड़ा हो गया क्या? टैक्सी वाला सा, रिक्शा वाला सा बैठे ह्यूमन दलिया ब्लडी वाधवा। ब्लडी वाधवा, क्या हुआ? उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्या? प्रपोजल में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो फिर क्या कोटेशन में था? कोटेशन में भी इंटरेस्ट नहीं था। He was interested in me. In you? शुरू में तुम्हारी समझ में नहीं आया, कभी कपड़ों की तारीफ, कभी मैनरिज्म की बात। जूली जूली जूली, इट्स माय मिस्टेक। ये जो वाधवा है ना, वो जरा रंगीला किस्म का आदमी है। उसे शायरी सुनाने का, गजल सुनाने का बहुत शौक है। रोहन, why don't you understand? मैं कुछ सीरियसली बोल रही हूँ। अरे मैं भी तो सीरियसली कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। सीधी? अरे वो ऐसे उल्लू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, गधा भी पहलवान, you know what I mean? ये जो तुम्हारा वाधवा है ना, ना उल्लू है ना गधा, वो कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ता? वो चाहता है कि मैं उसके साथ साइट पर जाकर सारी डिजाइन्स एक्सप्लेन करूं और रात को खंडाला में रहकर सारी क्वेरी सेटल करूं, ताकि वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कंफर्म करके दे। I hate that dog. चूली, ये कुत्ता एनिमल ही ऐसा है, दिखने में वफादार दिखता है, होता भी है, लेकिन उसे कितना भी ट्रेन कर लो, उसकी पैर ऊपर करके सूसू करने की आदत नहीं जाती। रोहन, तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो ना, अगर वाधवा तुमसे कुछ चाहता है, उसे तुमसे कहने की क्या जरूरत थी, वो मुझसे कहता। इस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या है जूली, कभी कभी सिंपल चीजें हमारे समझ में नहीं आती। सिंपल चीज? कोई गैर मर्द मुझे उसके साथ एक रात बिताने को बोले और तुम कहते हो सिंपल चीज? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। वहां उसके ये कहने के बाद मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना कपड़ों के बगैर खड़े रहने के बराबर था, और तुम कहते हो सिंपल चीज? कुछ भी ज्यादा नहीं है जूली, कुछ भी नहीं, ना ही मेरा पीना, ना ही वाधवा का डिमांड। ज्यादा अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा सोचना। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। क्यों सोचती हो इतना? तुम इतने सारे डिजाइन के साथ वाधवा के पास गई थी, क्या वाधवा ने उसके बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा ना, और बिना सोचे समझे उसने तुमसे एक रात मांगी, बस। मैं तुम्हें एक बिखूनी की कहानी सुनाता हूं। तुम्हारी तरह एक बिखूनी थी, बिखूनी लेडी मॉन्क। एक गांव में भिक्षा मांगते मांगते रात हो गई। वो गांव उसके पंथ का नहीं था, वो एक घर से दूसरे घर भटकी, लेकिन कोई भी उसे पनाह देने के लिए रेडी नहीं था। आखिर में वो कंबल बिछाकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। वो रात पूनम की रात थी। सारा गांव, गली, कूचा, पत्ते, पर्वत चांदी में नारे थे। नेचर का ऐसा अद्भुत दृश्य उसने आज तक नहीं देखा था। सुबह होते ही वो सबके घर जाकर उसने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया इसलिए कि कल रात अगर वो उसे पनाह देते तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं वो कभी नहीं जान पाती। मैं कुछ समझी नहीं। अपने घर में तो हर रात सभी सोते हैं, लेकिन एक रात अगर तुम वाधवा के साथ सोती तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं, ऐसों की बारिश क्या होती तुम जान जाती। और वैसे भी शादी तो मैं तुमसे करने ही वाला था, तो बाकी की जिंदगी हमारी चमचमाती रातों में गुजरती। रोहन! वाधवा तो गली का कुत्ता था, लेकिन तुम बातों के पैटर्न से सिर्फ खेलते नहीं, वक्त आने पर अपने फायदे के लिए बेचते भी हो। कहानियां तो तुम पहले दिन से लेकर आज तक खूब सुनाते आए हो, लेकिन आज की तुम्हारी ये लेडी मॉन्क बिखोनी की कहानी से यह साबित होता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो पूजा के फूल अर्थी पर और अर्थी के फूल किसी के बर्थडे पर प्रेजेंट कर सकते हो। सपनों का महल बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के घर भेजने वाले, अरे तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए भी अपने बीवी बच्चों का सर किसी के आगे झुकने नहीं देते। घिनाने लगी है मुझे अपने आप पर, जो जो मेरे
तुम जैसे इंसान से नाता जोड़ा रोहन। फातिमा ने तो सिर्फ मेरे कपड़े उतारने चाहे, तुमने तो मेरी खाली उतार दी। बड़े विश्वास के साथ हाथ थामा था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुमने उन्हीं हाथों को कंधों से अलग कर दिया। चांदी में नहलाना चाहते हो ना मुझे, बारिश में नचाना चाहते हो मुझे। वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाला था, वैसे भी मींस शादी मैं तुमसे करूं और तुम्हारे इशारों पर बिस्तर किसी और को गर्म करूं। I hate you, you bastard! Come on, Julie. प्यार में love and hate तो आम बात है। Shut up! Shut your mouth! औकात नहीं है तुम्हारी अपनी जुबान से मेरा नाम लेने की। तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसे मैं अपनी जूतों से भी रगड़ना नहीं चाहती। लॉन्ग टाइम नो सी। तुम पार्लर भी नहीं आई हो? हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मगर क्यों? डिंकी तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसकी तुम बिजनेस पार्टनर बनी हो। हाँ, गोवा से आते मुंबई की मछली फांस ली। आई लव दैट, आई रियली लाइक दैट, रियल कूल। दिलनास सोचती होगी बदला लूंगी मैं। फिर एक बार जाकर उस बास्टर्ड को तमाचे मारने को तरसते हैं ये हाथ, फिर बेबसी की फीलिंग और बर्फ जैसा ठंडा हेल्पलेसनेस। ऐसी हालत में किसी की गोद में जाकर रोना या कुछ मदद मांगना कितना शेमफुल लगता है ना। ये घुटता है मन, ये सब मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही बार बार क्यों। और यही एक सेंटेंस है जूली जो हमारी जिंदगी बदल देता है, मेरे साथ ही ये बार बार क्यों। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है, मेरे साथ ही ये क्यों। यही वक्त होता है अपने बारे में सोचने का, कौन हूँ मैं, क्या मिलता है मुझे। ऐसा सब कुछ होता है तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाता है। बास्टर्ड्स, सोचने लगती है कि मुझ में ही तो कोई कमी नहीं। मर्द तो निकल जाता है आसानी से, औरत थक जाती है, हार जाती है, और मर्द यही चाहता है कि हम थक जाएं, हार जाएं, और उसे इस बात का विश्वास ही नहीं यकीन भी होता है। औरत ही है, क्या करेगी ये। अब देखो ना, तुमने जिसे जी जान से चाहा, अपना सब कुछ दिया उसे, उसने कितनी आसानी से तुम्हें दूसरे के साथ शेयर करना चाहा। स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि हम उसका गला घोटने के बजाय अपना गला घोटना पसंद करती हैं, हम खुदकुशी कर लेती हैं। मैं जानती हूँ तुमने भी खुदकुशी करने की सोची होगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ जूली, किसी और की गलती के लिए अपनी जान देना कोई सेंसिबल बात है। आई नो मेरा सवाल इरिटेटिंग है, फिर भी पूछती हूँ, क्या करोगी। कुछ भुलाने के लिए गोवा छोड़ा था तुमने, अब वापस उसी मायूसी के साथ रहना आसान नहीं होगा। जिस तरह चुटकी भर में शाह की नौकरी छोड़ी थी तुमने, उसे वापस दिलाने में शाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। झगड़ा तो तुम दोनों में हुआ है ना, रोहन और शाह में तो नहीं ना। वो तुमसे जितनी भी हमदर्दी दिखाए, डील तो नहीं तोड़ने वाला ना वो। किसी को बेटी कहना और बेटी होने में बहुत फर्क होता है जूली।
हाँ, अब रही डिंकी की बात, तो अब तो वो यहाँ है नहीं, तो कहाँ जाओगी तुम, कहाँ रहोगी? फिर कोई नील, फिर कोई रोहन। दुनिया गोल नहीं जूली, मेरी ग्राउंड है। कितनी आसानी से ये बास्टर्ड औरत को खुदकुशी के रास्ते ले आते हैं। तुम जिस दौर से गुजर रही हो ना, उस दौर से बहुत लड़कियां गुजर चुकी हैं, गुजर रही हैं और गुजरती रहेंगी। मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर खुदकुशी को खुदकुशी में बदल दिया। यूँ समझो कि खुदकुशी अगर फुल स्टॉप है तो खुदकुशी कॉमा अल्प विराम। अब जो मैंने ये बात बताई है तुम्हें, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, हमारा शरीर। हर किसी को हमारा शरीर चाहिए, कोई धक्का मारकर, कोई सीटी बजाकर, तो कोई प्यार जताकर, कोई जान पहचान बनाकर, बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र पहनाकर, शादी रचाकर हर रात बलात्कार करता है। तो किस्सा तो एक ही है ना, एवरीबडी वॉन्ट्स आर बॉडी। डेलनास की बात बिना कोई रिएक्शन सुन तो ली मैंने, लेकिन एक मोड़ पर उसे वहीं छोड़कर आगे निकल आई, सिर्फ एक सवाल साथ लेके। कौन हूं मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब मैं ही दे सकती थी। कोई दूसरा मेरी पहचान बनाए, इससे अच्छा मैं ही अपनी एक पहचान बनाऊंगी, ये तय कर चुकी थी मैं। डेलनास के पेचीदा सवाल का जवाब मिल गया था मुझे, और सबसे पहले उसे ही सुनाना चाहती थी। मेरे लिए ये जिंदगी का आखिरी मोड़ था। सॉरी जूली, मैंने तुम्हें गलत समझा। शायद मेरा नाम, मेरा काम मुझ पे इतना हावी हो गया कि बेवजह चार टेढ़े सवाल पूछ लिए। मैंने एक औरत होने के बावजूद मैं एक आम इंसान की तरह पेश आई, पर अब मेरा मन साफ है। तुम्हारा इंटरव्यू मिहिर के इंटरव्यू की तरह पूरे सम्मान के साथ करने की कोशिश करूंगी। At least you can hope for the best, na? Take care, okay? जूली, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। लिसन टू मी, आई वॉन्ट टू टेक यू समवेयर। आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूं।
तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जूली। हाय, मैं हूँ सोनिया, आपके मिहिर जी की छोटी बहन। ये चाची, ये पिंकी, ये चाचा, वो माँ है, और ये है सानी। पापा लंदन गए हैं, भैया ने आपको बताया ही होगा, और ये है हमारी दादी जी। नॉर्थ के हम सभी बड़ी फैमिली को जानते हैं, कहीं तुम एमपी के किसी बड़े खानदान से तो नहीं हो? आप मिहिर भैया की मिस्ट्री वुमन है क्या? यू मस्ट बी अ डबल ग्रेजुएट इन फॉरेन लैंग्वेजेस, नो? तुम जो कुछ भी हो, जहां से भी हो, मिहिर की पसंद हो, और मुझे अपने मिहिर पर पूरा भरोसा है। बस मैं इतना चाहूंगी कि तुम मेरे मिहिर का ख्याल रखना। Excuse me. Hi Julie. Guess what? चैनल ने हमारी बात मान ली है। CEO से अच्छा खासा कॉन्फ्रेंटेशन हुआ। तुम्हारा इंटरव्यू हम अपने चैनल के स्टूडियो से टेलीकास्ट करेंगे, और वो भी लाइव। I mean for the first time in India, एक प्रोस्टिट्यूट का लाइव इंटरव्यू होगा। Wow. सोचो ना जूली, ये जो लोग रोज घिसे पिटे पारिवारिक सीरियल देखते रहते हैं, ये जब तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे, I mean they'll be shocked. अच्छा हाँ, बाय द वे, तुम्हें हमारे स्टूडियो आना पड़ेगा प्रोमो शूट के लिए, ओके? टेक केयर, बाय। व्हाट अ लवली फीलिंग इट इज किसी के प्यार में होना। इट इज सो फ्रेश, इट्स फ्रेशर देन फ्रेश एयर। पता है जूली, सब कुछ बदला बदला सा लगता है। मैंने सुना था प्यार में लड़कियों के तन मन में हलचल होती है, लेकिन हम मर्दों में भी बहुत हलचल होती है भाई। जानती हो, कल से एफएम पर मुझे हर गाना अपनी ही फीलिंग्स गाता सुनाई देता है। वो क्या गाना था? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुना तुमने? क्या? अरे वो था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप और ना जाने क्या क्या। भाई अपनी तो लिस्ट लंबी हो गई। जॉगिंग के बाद पहला शार, मॉर्निंग शेव के बाद कोलोन, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट विद स्क्रैम्बल्ड एग्स, ऑरेंज जूस एंड टोस्ट। आई एम फीलिंग रियली गुड, एंड यू नो व्हाट, माय फैमिली इज फीलिंग वेरी गुड। तुम तो ये मान के चल रहे हो जैसे उन्होंने हाँ कर दी हो। अपने घर वालों को मैं बचपन से जानता हूँ, और शांडिल्य परिवार में झूठ बोलने का कोई ट्रेडिशन नहीं है। हम अपनी पसंद का इजहार लफ्जों में नहीं, हंस कर देते हैं, और उनकी हंसी से मुझे पता चला कि तुमने मेरा नहीं, हम सबका दिल जीत लिया है। रियली जूली, इस स्पॉट पर फैमिली के साथ कई बार आउटिंग के लिए आ चुका हूँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ वही स्पॉट कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। रियली? पल में ही हम सच
खुशियों का लुत्फ उठाते हैं, उठाते हैं। पंद्रह दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, ट्राई नॉट टू मिस मी, ओके? कोशिश करूंगी। दैट्स गुड। मेरे दादाजी भी कहा करते थे, कोशिश वो सीढ़ी है कि पांव टिके तो कामयाबी, और अगर फिसले तो भी उम्मीद बरकरार रहती है। सी ओके, बाय। हाय, मैं जूली, एक पेशेवर कॉल गर्ल। इस हफ्ते आपके टीवी पर आ रही हूँ, मिलिएगा जरूर। अवॉक क्रिएट कर देंगे, देखना, ये जस्सी वस्सी सब भूल जाएंगे। सबके मुंह पर एक ही बात होगी, जूली जैसी कोई नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐड मिलेंगे? मिलेंगे ऋषि, जरूर मिलेंगे। अरे जरा वो फैमिली वाला प्रोमो दिखाओ। मैं जूली, पहचाना नहीं? हो सकता है आपके डैडी, भाई, बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड मुझसे कहीं मिले हो। बताया नहीं? बताएंगे भी कैसे, क्योंकि मैं हूँ कॉल गर्ल जूली। देखना कैसे ऐड बरसते ऋषि, फोन करो, फैक्स पर रिलीज ऑर्डर लो और शाम को प्यून को भेजकर एडवांस पेमेंट मंगवा लो। एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी को टैप किया है इसमें। अब ये तीसरे वाला थोड़ा आर्टी है, लिटरेचर विटरेचर वालों के लिए, टू सम एक्सटेंट सोशल मूवमेंट वालों को भी जचेगा। हैं, ये देखो, कोई कहे राधा, कोई कहे मीरा, कोई कहे तुलसी, क्या पहचान है मेरी असली? मैं जूली, प्रोस्टिट्यूट। एक्सीलेंट, मैं तुम्हें बोलता हूँ तारा मैडम यही रन करेगी। तुमने कुछ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की लिस्ट बनाई है? उसकी कोई जरूरत नहीं ऋषि, वैसे भी कॉन्डोम्स वाले पीछे पड़े हुए टोटल स्पॉन्सरशिप के लिए। अच्छा ये मर्दों वाला प्रोमो तो देख। लोग कहते हैं मैं जिस्म बेचती हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मैं मर्दानगी खरीदती हूँ, वो भी पैसे देकर नहीं, पैसे लेकर। ये कैसी दुकानदारी है? इस हफ्ते जान लीजिएगा मुझसे, मैं जूली वैश्य। इससे ज्यादा डेरिंग कुछ हो सकता है? इधर आके बोलना कि मैं धंधे वाली हूँ, पहले फिल्म स्टार्स बेच रहे थे, बिजनेसमैन बेच रहे थे, अब डायरेक्ट वेश्या बेचेगी? गवर्नमेंट बैन तो नहीं लगाएगी? अरे बेड़ू, एचआईवी प्रिवेंशन अवेयरनेस का झालर जो लगा दिया है ना बस। और वैसे भी शो लाइव है। एनीवे तो ये प्रोमोज ओके हैं। तो टेलीकास्ट करें, दो दिन में लगाता हूँ फटाका। सुनिया, पता है इस रेस्टोरेंट में मैं पहली बार मिहिर के साथ ही आई थी। तुमने बताया नहीं भैया तुम्हें पहली बार कहाँ मिले? उसके बाद इतनी बार मुलाकात हुई कि पहली मुलाकात याद ही नहीं। एक्चुअली आज मम्मी और भाभी भी साथ में आने वाली थी। मैंने उन्हें टाल दिया। टाल दिया मींस मैं नहीं चाहती थी हमारी आज की मुलाकात शादी की बातें या किसी और घरेलू बातों में उलझती रहे, मुझे तुमसे चैटिंग करनी थी। एनीवे, हम लोगों का इस तरह बिना किसी इंफॉर्मेशन के तुम्हें घर से यहाँ बुलाने का मतलब तो तुम जान गई होगी ना। अरे यार, तुम बहुत जल्दी हमारे घर की बहू होने वाली हो। हाँ तो वो सब शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। इट्स गुड न्यूज। आई नो इट्स गुड न्यूज तारा, लेकिन आज मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी सनी, पिंकी और सोनिया के साथ, और वहाँ मेरा पहला क्लाइंट आ गया। ओह माय गॉड, अब तो फिर कुछ हुआ तो नहीं, पर मैं कब तक ऐसे अपना पास छुपाऊंगी? और मैं अपने भले के लिए नहीं चाहती कि उन भले लोगों को कुछ नुकसान पहुंचे। तो चाहती क्या हो तुम? हमारे इस इंटरव्यू से पहले मैं नहीं चाहती कि शांडिल्य परिवार मेरी असलियत जाने। और इंटरव्यू के बाद?
इंटरव्यू के बाद जो होगा वो मैं झेल लूंगी। बस मुझे तब तक यहां से कहीं दूर ले चलो। एक काम हो सकता है, मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तुम वहां रह लो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके, रिलैक्स जूली। सिगरेट पियोगी? नो थैंक्स। पता है एक बात का ताज्जुब मुझे आज भी है, उम्र के हिसाब से नील का तुम्हारी जिंदगी में आना कोई सरप्राइज नहीं था। एक साथ काम करते करते रोहन का करीब आ जाना भी एक तरीके से ऑब्वियस ही था, लेकिन मीर और तुम्हारा मिलना, वो भी तब जब तुम एक कॉल गर्ल बन चुकी थी, आई मीन हाउ। दिल्ली जाना है? दिल्ली? टुनाइट। बहुत बड़ा मिनिस्टर है। एक्चुअल क्लाइंट तो कोई और है जो सिर्फ पैसे दे रहा है। वसूली तो ये करेगा। क्यों? ये क्लाइंट मेरा बहुत पुराना कस्टमर है। ऑनेस्ट है, आदमी भी ठीक ही भेजता है। सुबह आएगा तुम्हें खुद पैसे देने। ओके reception, yes, may I help you? Excuse me. Yes sir, sure sir. Excuse me, which room is Mr. Malhotra in? Just a minute ma'am. Namaste sahab. Namaste. Good morning Mr. Chandelier. Hi, good morning. Which room? Your favorite suite sir, 450. Great, thanks. Mr. Malhotra. Have a pleasant stay. Thank you. Room number 450 ma'am. Thank you. Malhotra, ये room number 450 ही है ना? Oh, you've got the correct room number, but I'm not Mr. Malhotra. आप reception से check क्यों नहीं कर लेती? I'm sure they'll help you out. I'm extremely sorry. Mr. Malhotra is in 602. In,
कौन? पैसे देने के वास्ते आए हो तो वहीं टेबल पे रख दो। फेर लिया? वो तो तुमने उसी दिन ही फेर लिया था जिस दिन ब्रिगेंसा को अपने जाल में फंसा था तुमने। तो अब क्यों झिझक रहे हो? मेरी कीमत भी उसी दिन तय की थी तुमने। तो सर उठाकर देखो नील, जो कीमत तुमने लगाई थी वो सही है या नहीं? जूली, अच्छा लगता है आज भी मेरा नाम तुम्हारे होंठों पे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ साल पहले ये सुनने के लिए तरसती थी और आज तरस आता है नील। कामयाबी के लिए तुमने बहुत ही सीधा और सरल रास्ता चुना और इत्तेफाक से मैं भी तुम्हें वहां मिल गई। सो लेट्स सेलिब्रेट कामयाबी। नजर उठाकर देखो नील, तुम्हारी माशूका का ये नंगा बदन जो कल रात तुम्हारे ही पैसों से किसी ने खरीदा था, याद है मैं तुम्हें कहा करती थी एक छोटे से घर में खुश रहूंगी, तुम जितना कमाओगे उतने में घर चलाऊंगी, अगर कम पड़ा तो बेकरी भी चलाऊंगी। और उस वक्त तुम मेरे पे भड़क गए थे नील, और आज मेरे ही जिस्म की बेकरी तुम्हारे काम आई नील। आग मेरे बदन में लगी है नील, और बिस्किट तुम खा रहे हो नील। अब मैं ये चाहूंगी कि टेबल पर जो कैश रखा है उसे प्यार से लाकर तुम मेरे हाथों पर रख, क्योंकि मेरा एक सपना था नील कि तुम कमाओगे और मेरे हाथों में लाकर थमाओगे। आज भी मैं तुम्हारी कमाई उतने ही खुशी से अपने हाथों पर रखूंगी, भले ही वो तुमने मुझे बेच कर क्यों ना कमाई। सो कम ऑन नील, कम ऑन। या ओके, यस, ऑलराइट, ओके, बाय, थैंक यू। हाय, आपको अपना कमरा मिला? जी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी। अरे मिहिर। ओ हाय अंकल, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? और घर में सब ठीक है ना? सब बढ़िया। What? Not interested? अरे यार ऑफिशियल बैचलर पार्टी है, वो भी अपने केतन की शादी की खुशी में। मुझे तो बस इतना मालूम है कि वहाँ पे हाई क्लास लड़कियाँ होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, बहुत मजा आएगा। हितेन, मुझे बैचलर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। अरे यार मुझे तो बस इतना पता है, वन टाइम फन, फर्स्ट क्लास होटल, फर्स्ट क्लास दारू और फर्स्ट क्लास डांस, और उसके बाद हम सब डूब मरेंगे, मजा आ जाएगा यार। देखो तुम लोग डूबो मरो, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे यार मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तुझे अगर इतना डर लगता है ना तो तू टोपी पहन कर आइयो। यार मुझे इस सेक्स के मेले में आना ही नहीं है। अरे यार तू समझता क्यों नहीं है यार, मर तो हमेशा के लिए बैचलर रह सकता है, ये वर्जिन सर्जिन का झमेला तो भगवान ने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया। मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तू आ या ना, मैं दो पटाखा लड़कियां फिर भी तेरे पास भेजने वाला हूँ। यार तुम लोग फुली पागल हो ना। ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं आके केतन से मिलकर चला जाऊंगा, नॉट फॉर मोर देन दैट। ये हुई ना बात।
Anyway, I can drop you home. आप परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। आइए। Thanks. वैसे मेरा नाम मिहिर है। मैं जूली। Bye. आप घर जाके बेल बजाइए, सब सोए होंगे। लाइट्स ऑन होंगी तो मैं चला जाऊंगा। ओके। ओह गॉड। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? चाबियां तो पर्स में थी। ओह, मतलब आप अकेली रहती हैं। देखिए, आप कहें तो मैं आपको किसी सहेली, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ छोड़ सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी नहीं, आप निकलिए, आई मैनेज। कैसे? कोई परेशानी की बात नहीं है। आधी रात गुजर चुकी है और सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। अकेले बैठकर रात गुजार लूंगी मैं, और सुबह होते ही किसी चाबी वाले को पकड़ लाऊंगी। ये बहुत ही बोरिंग और एम्बिशियस प्लान नहीं लगता आपको? जी नहीं। रात बाहर गुजारने की आदत है मुझे। अच्छा, लगता है आप रेगुलर पार्टी गोर हैं। खैर, हो सकता है आपको रात बाहर गुजारने की आदत हो, मगर मुझे आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाना बहुत ही मैनरलेस लगेगा, बेअदबी। मैं रुकता हूँ यहाँ, चाबी वाला मिलते ही चला जाऊंगा। इज दैट ओके? आपने ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है, अब और ज्यादा तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? तकलीफ नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बिना आपको कोई तकलीफ दिए हुए। देखिए, मैं अभी आपसे कह रही हूँ, आप क्यों मेरे लिए जबरदस्ती अपनी नींद हराम कर रहे हैं? घर जाके आराम से सो क्यों नहीं जाते? नाइस आइडिया। मैं भी एक आदमी हूँ जो आपके साथ यहीं बैठ गया। आप मेरे घर चल सकती हैं। आपके घर? मैं, माफ करना, मैं किसी अजनबी के घर नहीं रह सकती। तो किसी होटल में? क्यों? जिनकी चाबियां गुम जाए या जिनका पर्स चोरी हो जाए, उन्हें होटल वाले मुफ्त में रहने देते हैं क्या? See, I can easily help you with some money. No, thanks. बात पैसों की नहीं है। वैसे भी मुझे होटलों में रहना पसंद नहीं है। ओके, एज यू विश। ओनली वन लास्ट सजेशन। इस तरह गुमसुम रात गुजारने के बजाय क्यों ना हम लोग थोड़ा टहल कर आए? चलने से नींद भी नहीं आएगी और इस मुलाकात से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। आपको इस तरह दोस्ती बढ़ाने में कोई एतराज तो नहीं होगा ना? वैसे हमारी मुलाकात इत्तेफाकों का सीरियल ही है। थैंक गॉड सिर्फ 3-4 एपिसोड ही हुए हैं। वैसे आप करती क्या हैं? बताना जरूरी है? छिपाना भी कोई जरूरी नहीं। वही जो एक औरत करती है, और वो भी नहीं जो हर औरत कर सकती है। इन शॉर्ट, आप बताना नहीं चाहती हैं,
नो प्रॉब्लम। खैर आपके पूछे बगैर मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जानती हूं, पढ़ चुकी हूं इंडिया टुडे में। वो एक छोटा सा प्रोफाइल था, नथिंग मच रियली। एक आदमी को जानने के लिए काफी है। फिर भी आपने हमें अजनबी समझा। इंफॉर्मेशन से हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं कहना गलत होगा ना? गलत होगा, सही बात है। आपके सैंडल्स भी लेकर आया हूँ। ओह, सॉरी, एंड थैंक यू। अभी इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या? जानती हो, दूर से तुम इस बीच पर इन्हीं रॉक्स में से उभरे हुए किसी स्कल्पचर की तरह दिखाई दे रही हो, और ये रॉक्स जो भी टोटली डार्क हैं, कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर गर्म लोहे की तरह रेड, और उसके बाद सोने की तरह सुनहरे हो जाएंगे। और उस वक्त तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी तो ऐसा लगेगा मानो गोल्डफिश के कलर की कोई जलपरी पानी से बाहर आ रही हो। तुमने वो कहानी सुनी है? कहानी? कौन सी? एक राजकुमारी थी जिसको श्राप मिला था और वो जलपरी बन गई थी। जलपरी होने से वो अपने प्रेमी से सिर्फ रात में समुद्र के किनारे मिल सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक परेशानी और थी जो इन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत कठिन थी। कौन सी? सूरज के उगने के साथ जलपरी का वापस समुद्र में लौटना। तुम्हें यहां देखा तो पल भर के लिए ऐसा लगा मानो तुम वही जलपरी हो जो कल रात से मेरे साथ में थी, और अब सूरज उगने से पहले वापस लौटने के इंतजार में खड़ी हो। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है, या ये अचानक मैं जो आपसे तुम पर उतरकर बकबक कर रहा हूं उससे तुम्हारे अतीत में झांकने की कोशिश की है, ऐसा कुछ लगा तुम्हें? क्या हुआ? क्या सोच रही थी कि जिस जलपरी की तलाश में तुम हो और वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चली गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी? India's most eligible bachelor, most helpless lover होगा। और तुम? मैं ना तो मैं जलपरी हूं, ना मुझे किसी से मिलना है और ना ही छोड़ना। कब तक? कम से कम ये सनराइज होने तक तो डेफिनेटली। मैं दूसरा कुछ नहीं सोचूंगी, और तुम भी मत सोचना। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करोगे, चाहे तुम उसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो, या जस्ट किडिंग जोकिंग, लेकिन होगा यही। दिल में उभरती है वो सूरज की तरह हल्के हल्के लाइट अप होती, हमारे दिलो दिमाग और हमारी पूरी जिंदगी पे छा जाती है। ₹200 दो। ₹200? वैसे चाबी बनाने के खाली 20, बाकी 180 चाबी संभाल के रखने की याद दिलाने के। जय बाबा मलंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मिहिर। भाभी कह रही थी रात को तुम घर नहीं आए, क्यों? जी वो केतन की बैचलर्स पार्टी थी ना, तो वहां चले गए थे। तुम ये बैचलर पार्टी में कब से शामिल होने लगे? कहीं बैचलर होने का बोझ तो नहीं हो रहा? नहीं। एनीवे,
भाई साहब की ईमेल देखी? पापा की ईमेल आई है। ओहो, इसका मतलब पार्टी बड़ी जोरदार हुई है। अब एक और पार्टी होने वाली है। लंदन वाली डील फाइनल हुई क्या? अरे वो तो हो ही जाएगी। तुम लंदन वाले पटेल साहब को जानते हो? उनका क्या? उनका नहीं, उनकी लड़की। वो अपनी लड़की शंडेलिया परिवार में देना चाहते हैं। तुम पापा का ईमेल देख लो, उसमें लड़की का फोटोग्राफ और प्रोफाइल है। हाँ, अगर तुम हाँ करो तो फिर तुम्हारे दोस्तों को एक बैचलर पार्टी और मिल जाएगी। क्यों? ओके, सी यू। सी यू। लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करो, चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो, या जस्ट किडिंग जोकिंग समझो, लेकिन होगा यही। आप नहीं तुम। वो कल रात तुमने कुछ कहा था ना कि जिस दिन मुझे सही लड़की दिखेगी या मिल जाएगी मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। शादी करोगी मुझसे? वो सही लड़की तुम ही हो जूली, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कहीं आप नींद में तो नहीं है? नहीं जूली, मैंने पहले ही कहा कि मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। जूली, जूली मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं? तुम क्या जवाब चाहते हो मैं जानती हूं। मेरे लिए प्यार या शादी एक रात की मुलाकात नहीं है मिहिर। तुम्हारे बारे में तो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? फिलहाल तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। जूली, तुम कौन हो, कैसे रहती हो, क्या करती हो, किस धर्म, जात, इकोनॉमिक स्टेटस की हो, ये सारी बातें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी विश सच्ची है और दिल से है, और वो पूरी होगी इसका मुझे यकीन है। जूली, मेरी विश, मेरा प्यार सनराइज होते हुए मेरे दिल में उभरा है। ये सब क्या चल रहा है तारा? प्रोमोस टेलीकास्ट करने का दिन कल से है और तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि नए प्रोमोस शूट करने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रोमोस हमने शूट किए हैं वो मार्केटिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। इन्हीं प्रोमोस को दिखाकर हमने ऐड हासिल किए हैं। अब अगर इन प्रोमोस को ना दिखाकर कोई दूसरे प्रोमोस दिखाएंगे तो क्लाइंट स्टॉप पेमेंट कर देंगे। जानती हो तुम्हारी इस हरकत से चैनल को कितना बड़ा घाटा हो सकता है? मिस्टर नायर, आपको सिर्फ अपने कमर्शियल घाटे की पड़ी है, लेकिन हमारा चैनल सिर्फ कमर्शियली वायबल नहीं है, इसकी एक क्रेडिटेबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक जिस्म बेचने वाली को पेश करके हम भी उसी तरह पैसे कमाएं जैसे कोई डेलनास कमाती है। What do you mean, Tara? Well, I mean nothing at all, sir. All I'm trying to explain is that we cannot promote the program the way it is. Anyway, मैंने अपनी ऑब्जेक्शन प्रोमो डायरेक्टर को भेज दी है इन राइटिंग। सॉरी, जब कंपनी डिसीजन की बात होती है तो उसमें किसी एक की बात महत्वपूर्ण नहीं होती। This is all a waste. Stop all this. Kaushik. Yes, sir. Pack up. जो प्रोमोस हमने पहले शूट किए थे वही टेलीकास्ट होंगे। हाय, मैं जूली। पहचाना? नहीं, हो सकता है आपके डैडी, भाई, बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड मुझसे कहीं मिले हो। बताया नहीं? बताएंगे भी कैसे, क्योंकि मैं हूं कॉल गर्ल। लोग कहते हैं मैं जिस्म बेचती हूं, लेकिन असलियत तो यह है कि मैं मर्दानगी खरीदती हूं, वो भी पैसे देकर नहीं, पैसे लेकर। ये कैसी दुकानदारी है?
इस हफ्ते जान लीजिएगा मुझसे, मैं जूली। यहाँ है जस्ट, बस मैं पहुंच रही हूँ। कोई कहे राधा, कोई कहे मीरा, कोई कहे तुलसी, क्या पहचान है मेरी असली? मैं जूली, प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट। टीवी में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही देर में शुरू हो रहा है बहुचर्चित टॉक शो। इस मोड़ पे आते हैं। पिछले हफ्ते से सारे देश में चर्चा का विषय बना रहा, तो अब बस कुछ ही पल में आपके सामने आएंगी जूली। नमस्कार। इस मोड़ पर आते हैं कि इस हिस्टोरिक लाइव एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि हमारे शो को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जहां तक प्रोफेशनल और सोशल कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। इस मोड़ पर आते हैं कि आज की मेहमान हमारे दूसरे मेहमानों जैसी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की अपनी एक पहचान है, और यही पहचान आज उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। सो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं बहुचर्चित जूली का। नमस्ते। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम के एड्स में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जूली एक कॉल गर्ल है, वैश्या है। वैश्याओं की भी अपनी एक जिंदगी होती है, लेकिन क्या जूली या जूली जैसी हजारों लड़कियां हमारी बहन, बेटियां या बीवियों जैसी नहीं है? क्या यह किसी की बीवी नहीं बन सकती? क्या यह किसी की मां नहीं बन सकती? क्या हम इसे ये अधिकार देंगे? ऐसे ही कुछ सवाल, कुछ हकीकतें और कुछ दास्तां सुनाने आई है जूली। सबसे पहले मैं तारा और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर वैसा भी नहीं है जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये गलत तरीके से शोहरत कमाने की एक चाल है। जितनी मेरी सोच है, जो मेरे मन में है और जो सवाल मेरे सामने खड़े हैं, वो भले ही पर्सनल हो, मगर उन सबका एक हिस्सा आप लोग भी हैं। सवाल पर्सनल है, मगर सोसाइटी से जुड़े हुए, इसलिए मैं सोसाइटी के रिएक्शन बाद में झेलने के बजाय पहले झेलना चाहती हूँ।
पार्टी। एक बहुत ही नेक, सरल और कामयाब इंसान मुझसे प्यार करते हैं। वैसे तो कॉल गर्ल से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी भी करना चाहते हैं। वो मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरे अतीत के बारे में जानने से ज़्यादा ढेर सारी दूसरी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कई सालों से नहीं, सदियों से जानते हैं। उसे मुझसे अलग करना वुड बी लाइक टू टेक अ सोल आउट ऑफ वंस बॉडी, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज सोल इन माई बॉडी। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे प्रपोज करने वाले दूसरा या तीसरा और कोई नहीं बल्कि मिहिर शैंडिल्या हैं। मिहिर शैंडिल्या, शैंडिल्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। This is foolish, corrupted and deliberately sensationalized. शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह किसी पर कीचड़ उछालते हुए। Who is she? Have you checked her credentials, Miss Tara? क्या तारा आप नहीं जानती थी कि ये किसका नाम लेने वाली है? Have you contacted and confirmed with Mr. Chandelier? Please, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए and I request you all to speak one by one ताकि मैं कुछ कह सकूं। Sorry madam, we request you to close the show. Excuse me, ये live telecast चल रहा है और हम ये शो बंद नहीं करेंगे। एक बार जूली का कहना खत्म हो जाए तो आप जो चाहे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं बाबा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे अभी अभी तो टीवी पे आया है। हाँ नहीं, शांडिल्या फैमिली से भी कुछ खबर नहीं है। अरे देखते है न यार। हेलो, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से हवलदार पवार बोल रहा हूँ। देखिए, मैं सीटीवी से नायडू बोल रहा हूँ। हमारे स्टूडियो में थोड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत है। पुलिस फोर्स? हाँ, यहाँ पे टेंशन है थोड़ा सा। तो फिर आपको रजिस्टर्ड कंप्लेंट करना पड़ेगा। एक मिनट, हमारे साहब से बात कीजिए। पिछले दो दिन से बहुचर्चित टॉक शो इस मोड़ पर आते हैं जिसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसमें जूली नाम की कॉल गर्ल ने यह दावा किया है कि शांडिल्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मिहिर शांडिल्या न सिर्फ उससे प्यार करते हैं बल्कि उससे शादी भी करना चाहते हैं। जूली के इस बयान के बाद इस प्रोग्राम में रुकावट आ गई है और इस रुकावट की वजह जानने के लिए हम चलते हैं स्टूडियो के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता मीनाक्षी के पास। हाँ तो मीनाक्षी, इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं? विशाल, स्टूडियो के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस भी आई थी और खबर है कि शो में इंटरप्शन है। लेकिन टीवी पर तो ये कैप्शन दिखाया जा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट फिर से शुरू होने वाला है। आपकी इस बारे में चैनल वालों से या तारा अग्रवाल से कोई बातचीत हुई? नहीं विशाल, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और फोन पे भी कोई मौजूद नहीं है। मीनाक्षी, वहाँ कोई धमकी या तोड़फोड़ की खबर? नहीं विशाल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एयरपोर्ट से निकल चुकी है, घर पर ही आएगी ना? पता नहीं, इंटरकॉम पे पूछ लीजिए ना। परमिशन नहीं है। हम पूछे? नॉट अलाउड। मिहिर शांडिल्या की प्रेम कहानी ने आज शेयर मार्केट में अपना रंग दिखाया। बताया जाता है कि शांडिल्या ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर्स में भारी उछल कूद के संकेत मिले हैं। घंटों बाद मार्केट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बाजार के निवेशकों ने कहा है कि आज पहली बार किसी सोशल इशू ने सवाल खड़ा किया है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जूली के बयान से आए कुछ इंस्टेंट रिएक्शंस की वजह से हमें ये शो कुछ देर के लिए ऑफ एयर करना पड़ा, लेकिन हम वापस स्टूडियो में हैं और बाहर देख रहे दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, रादर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक दास्तां सुनाना चाहते हैं। नो डाउट इस दास्तां के साथ जुड़े कुछ नाम बड़े हैं, नामवर हैं, लेकिन सच्चाई के सामने कोई बड़ा नहीं होता और हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर जूली गलत है तो हम गलत ठहरे, लेकिन इस पनिशमेंट के लीगल और मॉरल रास्ते हैं। सो जूली, तो
तुम कह रही थी कि महेश शांडिल्य तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो ये बात तुम दोनों में ही है या? उनकी फैमिली जानती थी। तो फिर दिक्कत क्या है? उनमें से कोई मेरी असलियत नहीं जानता। तो आप जब उनसे मिली थी तो उस वक्त क्यों नहीं बताया था? मेहर को बताती, यहाँ के तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, मजबूरी। मजबूरी कौन सी? पैसों की? आपके बाप को भी कैंसर हुआ है। आप लोग इतना परेशान और उखड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि मैंने मिहिर शैंडलिया का नाम लिया। आपको मिहिर के स्टेटस का ख्याल है, मगर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। और अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं यहाँ आकर अपना तमाशा नहीं बनाती। आपकी नजरों में मिहिर कोई बड़ा होगा, मगर मेरे लिए वो प्रेमी है और प्यार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप लोग जिसे तमाशा कह रहे हैं, वही अगर मैं मिहिर की जगह किसी आम आदमी का नाम लेती तो आप लोग उसे ढूंढ कर लाते और मुझसे शादी करने को मनाते, हमारी फोटो प्रेस में छपती। मिहिर को मेरी नजरों से देखो। शांडिल्या शाउट्स नथिंग डूइंग, चैनल इन ट्रबल। मिहिर शांडिल्या मेहरबान ऑन मिस्ट्री महबूबा, लव स्टोरी कम्स ट्रू। अमीरों की शादी है तो हम बाराती है, और बर्बादी है तो भी मातम में हम फ्रंटलाइनर है। देखते हैं शांडिल्या साहब अब क्या करते हैं। तुम जहां कहीं भी हो मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें बिना कुछ बताए कहीं चली जाती तो तुम दुनिया के किसी भी कोने से मुझे ढूंढ निकालते, और अगर मैं तुम्हें कुछ बताती फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट करके अपने साथ ही रखते, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता या फिर अपने बुजुर्गों की कमाई हुई पूंजी पर पानी फेरना पड़ता। तुम नहीं मानते और मुझे अपनाने की जिद पर अड़े रहते, इसी जिद से डरकर मैं यहां आई हूं। यहां से जो बात फैलेगी वो शायद तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दे जो तुम कभी नहीं तोड़ सकोगे। शादी में सिर्फ तो जिस्म नजदीक नहीं आते, उनकी आत्माओं का भी मिलन होता है। मेरी आत्मा तो उसी वक्त मर गई थी जब पहली बार मैंने अपना जिस्म बेचा था। तुम वो हमसफर थे जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। तुम वो सपना हो जिसे बड़े नाजों से मैंने अपने पलकों में समाये रखा। तुमसे मिलने के बाद मैं एक बार फिर जाग उठी थी, मेरी आंखों की रोशनी लौटने लगी थी, मेरे दिल की धड़कन परसों के बाद सुनाई दी थी। मिहिर मेरा एक कस्टमर था जो शायर था। शायर हमारे ऑब्वियस कस्टमर्स होते हैं। मुझसे पहले वो जिस वैश्या के पास जाता था वो उससे शादी करना चाहता था, मगर उस वैश्या ने मना कर दिया और उसके रीजंस भी बताए। उस शायर ने उस पर एक गजल लिखी वो गजल सिर्फ उन दोनों की नहीं हमारी भी है मिहिर। उस गजल से जो मैं कहना चाहती हूं वो कहकर रुकती हूं। तेरा मेरा शीशे का घर, फिर क्यों दोनों के हाथ में पत्थर। मैं भी सोचूं, तू भी सोच, क्या तुझे मालूम ना था लहरें आती हैं
चाहती है, फिर भी क्यों लिखा नाम रेत पर? तू भी सोच, मैं भी सोचूं, क्यों तेरी बहन बेटी घर में और किसी की बाजार में? तू भी सोच, मैं भी सोचूं। हेलो मिहिर। हाय। हमारा शो तो रियलिटी शो बन गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मिहिर शांडिल्या खुद चलकर हमारे शो पर आए हैं। मे आई? प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले मैं तारा, उनके साथी सीईओ मिस्टर नायडू और सारे क्रू मेंबर से माफी मांगना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। माफी इसलिए क्योंकि मैं यहां बिना बताए चला आया, और शुक्रिया इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे यहां आने की, यहां तक कि यहां आकर बोलने की भी इजाजत दी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज। थैंक यू। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं जूली को जानता हूं, यह बात सच है। इनफैक्ट जूली ने जितनी भी बातें कही उनमें से एक भी बात गलत नहीं है। मैं जूली से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने जूली को अपने परिवार वालों से मिलवाया था, यह भी सच है। दो दिन पहले लंदन में मुझे पता चला कि जूली क्या करती है। मेरा परिवार चाहता था मैं इस शो को टेलीकास्ट होने से रोक लूं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मुझे जूली पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था वो ये सब सिर्फ पैसे, पब्लिसिटी या ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं करेगी। उसके पास कोई ठोस वजह जरूर होगी, लेकिन मुझे जूली से एक शिकायत है। उसने ये कैसे सोच लिया कि इस तरह खुलेआम अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो मुझसे अलविदा ले लेगी? भाई प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। जूली क्या करती है इसकी असलियत जानने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं उसे अब भी। हालांकि जूली ने अलग होने की बात की है, उसने अपने रीजंस भी दिए हैं। मैं दो दिनों से ये सोच रहा हूं कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं शादी करना चाहता हूं, ये पता चलने पर कि वो वैश्या है, क्या सब कुछ बदल जाता है? क्या उससे रिश्ता तोड़कर हम उसे वापस उसी बिजनेस पर बिठा देंगे और बैठ जाएंगे अपने अपने घरों में आराम से? कुछ दिनों के लिए आप सब में चर्चे होंगे कि वाह साहब क्या क्या शौक रहते हैं अमीरों के। फंस गए साहबजादे कुछ करोड़ों के लिए। वैश्या क्या होती है? वैश्या कहां से आती है? इसी समाज में पैदा होती है ना। सदियों से हम ये मानते आए हैं कि अगर समाज में वैश्या नहीं होती तो हमारी बहू बेटियां सलामत नहीं रहती। समाज में बलात्कार बढ़ते, हम सबके घर बर्बाद होते। तो हम सबके घर आबाद रहें इसलिए हम अपनी बहू बेटियों को वैश्या क्यों नहीं बनाते? जिस तरह से हमारी लड़कियां डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर बनती हैं, वैश्या क्यों नहीं बनती? वैश्या भी तो समाज की सेवा के लिए चाहते हैं ना हम। हर गली कूचे शहर में ब्रॉथल्स हैं, कॉल गर्ल्स हैं। हम सबके घर आबाद रहे इसलिए हम कितनी ही लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होने देते हैं। क्यों? क्या वो किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी नहीं होती? मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा वायलेंस, टेररिज्म, किसी लड़की को वैश्या बनाना है, उसे वैश्या बन के जीने पर, वैश्या बन के मरने पर मजबूर करना है। अभी कुछ देर पहले आप में से किसी सज्जन ने शांडिल्या परिवार की तरफ चिंता जताई। मेरा परिवार भी यह सब देख रहा होगा। मैं उनसे, आप सबसे पूछता हूं कि अगर शांडिल्या ग्रुप ऑफ कंपनीज वैश्याओं में काम करने वाली किसी संस्था की मदद करता तो आप सब तालियां बजाते। शांडिल्या ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर वैश्याओं के लिए ग्रुप हेल्थ प्लान लेता है
एड्स प्रिवेंशन के लिए फ्री कॉन्डम्स बांटता है, तो मेहर शांडिल्य का फोटो फ्रंट पेज पर या पेज 3 पर आता है। शांडिल्य ग्रुप अगर वेश्याओं के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलता है तो मिहिर शांडिल्य कैन बी द विनर ऑफ मैग्सेसे अवार्ड। कितनी अजीब बात है, हमें हमारे घरों में नहीं मगर हमारी सोसाइटी में वेश्या चाहिए। हम वेश्या को घर में नहीं लेंगे मगर उसके बच्चों को पालने के लिए चैरिटी है। हम बुराइयों को मिठाइयों की तरह निगल लेते हैं लेकिन सच को निगलना बहुत मुश्किल होता है, कड़वा जो रहता है। जूली ने आखिर में जो नज्म सुनाई मन ही मन में उसको जवाब देता रहा लेकिन अब वो जवाब मैं आप सबके सामने देना चाहता हूं। ना ही मेरा घर शीशे का है और ना ही हाथ में पत्थर, हमारा प्यार कोई रेत पर लिखा नाम नहीं और ना ही मैं अपनी बहन बेटी को घर में रखकर किसी और की बाजार में देखना चाहता हूं। मैं जैसे पहले चाहता था वैसे ही आज भी जूली तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी और ये सारी दुनिया हमारे साथ होगी। मम्मी, चाची, दादी, आप सब देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आज मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसने शांडिल्य परिवार के नाम पर धब्बा लगाया हो। पापा, आज जो डिसीजन मैंने लिया है उसने शांडिल्य परिवार की सोशल कमिटमेंट को किसी और ऊंचाई पर रखा है। मैंने अपने प्यार को कबूल कर उसे बरकरार रखने का डिसीजन लिया है। अब मैं आप सबसे सिर्फ आपके बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स चाहूंगा।